And good morning, all the students of class 7. Today we have a new lesson to read about. We have already done the word meanings of this lesson. Lesson 5, Exotic Places in India. इस पाठ में हमें भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी मिलेगी, उनकी भौगोलिक स्थिति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, कुछ प्रमुख चीज़ों की जानकारी, वहाँ के रीति रिवाज की भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी इस पाठ के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, एग्जॉटिक प्लेसेस इन इंडिया, जिसकी शुरुआत हो रही है लद्दाख से। लद्दाख, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ लद्दाख एंड सम ऑफ यू मे हैव विजिटेड द प्लेस एज वेल। आप में से हर एक ने लद्दाख के बारे में सुना होगा और कुछ ने तो शायद इस जगह की यात्रा भी की होगी। बट दोज ऑफ यू हु हैव नॉट बीन टू दिस प्लेस, आप में से वे जो इस जगह नहीं गए हैं, इट सफिसेस टू से दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ये जगह स्वयं बताती है कि ये विश्व की सबसे अद्भुत जगहों में से एक है। इट एक्सपोसेस यू टू स्नो पिक्स, ब्रेथिंग व्यूज, ब्रेथ टेकिंग व्यूज एंड मच मोर। यहाँ जाकर आपको बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ दिखेंगी, सांस रोक देने वाले नज़ारे होंगे, और भी बहुत कुछ होगा जो लद्दाख में हुए। इट इज़ इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन, ये जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में आता है। वैसे अब तो लद्दाख को स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार ने बना दिया है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ हाई पासेस, इस जगह को जाना जाता है विश्व के सबसे ऊंची खाइयों वाली जगह के लिए, पास बोलते हैं दर्रों को। एज देर आर मेनी पासेस विच सर्व एज नेचुरल गेट पासेस टू दिस लैंड ऑफ पिक्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से दर्रे हैं जो इस अद्भुत जगह को खूबसूरत नज़ारा देते हैं। ये जगह जो चोटियों से भरी है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द टू हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, ये विश्व की दो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसी है, कानलून माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ एंड द ग्रेट हिमालयन रेंज टू द साउथ। उत्तर में कानलून पर्वत श्रृंखला है, जबकि दक्षिण में महान हिमालय। लद्दाख इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स इन कश्मीर, कश्मीर के सबसे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में एक लद्दाख है। लीस्ट पॉपुलेटेड, लीस्ट माने सबसे कम जनसंख्या वाले कश्मीर के हिस्से के रूप में लद्दाख को जाना जाता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइएस्ट इनहैबिटेड एंड द मोस्ट रिमोट रीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थल है जहां लोग रहते हैं, और शायद भारत का सबसे दूरस्थ, सबसे सुनसान इलाका भी है। ये रिमोट कहते हैं ऐसा इलाका जहां आबादी बहुत कम हो, बिरले हो, तो लद्दाख भी ऐसा ही है। द नेटिव्स आर हार्डी एंड टफ लाइक द रग्ड माउंटेन्स अमॉन्ग विच दे ड्वेल, यहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं वो कठोर होते हैं, बिल्कुल इन कड़े चट्टानों की तरह, पर्वतों की तरह जिनमें ये रहते हैं, ये स्वयं भी ऐसे ही कठोर होते हैं। येट वेरी सॉफ्ट एंड प्लेन एट हार्ट, लेकिन दिल से बड़े नाजुक, बड़े ही नरम मुलायम दिल के लोग होते हैं। विथ राउंड फेसेस, गोल चेहरा, स्मॉल नोजेज, छोटी नाक, स्मॉल आइज, छोटी आँख, यानि लद्दाखी लोगों के चेहरे गोल होते हैं, आँखें छोटी होती हैं, नाक छोटे होते हैं। दे रिजेंबल द पीपल ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आप तिब्बत के या मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में जो रीजन है, देखने से ये वहाँ के लोगों जैसे दिखते हैं।
इन अर्ली 1970s, 1970 के शुरुआती सालों में द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन लद्दाख टू फॉरेन टूरिस्ट। भारतीय सरकार ने निर्णय लिया कि विदेशी यात्रियों के लिए, जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए लद्दाख को खोल दिया जाए। एंड एवर सिंस ट्रैवलर्स कम टू लद्दाख फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, और तब से विश्व के सभी हिस्सों से लोग लद्दाख आते हैं। इट हैज़ बिकम अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ बोथ द एडवेंचर फ्रिक्स एंड द कल्चर एंथुजियास्ट। ये दोनों तरह के लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, चाहे तो साहसिक कारनामे करने वाले रोमांच के शौकीन लोग हों, या फिर जिन्हें संस्कृति बहुत पसंद है, कल्चर जिन्हें बहुत पसंद है, ऐसे लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इट ऑफर्स एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवेंचर। यहाँ पर रोमांच प्रेमियों के लिए कई चीज़ें होती हैं, बी इट ट्रैकिंग, माउंटेन एक्सपेडिशन, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और जीप सफारी और राइडिंग ऑन द यार्ड। अब यहाँ देखिए, रोमांच चाहने वालों के लिए ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग बोलते हैं पर्वत के किनारे बनी पगडंडियों पर चलना, ये बड़ा खतरनाक काम होता है, बड़ा साहस वाला काम होता है, तो ट्रैकिंग करने के लिए, माउंटेन एक्सपेडिशन के लिए यानी पर्वतारोहण के शौकीन लोगों के लिए भी ये अच्छी जगह है। रिवर राफ्टिंग राफ्ट बोलते हैं छोटी नौका होती है, ये रबर की बनी छोटी नौकाएं होती हैं जिनको चप्पुओं के सहायता से पहाड़ी जो नदियां होती हैं उनमें पानी बहुत तेज़ चलते हैं, उनकी जो रफ्तार होती है पानी की बहुत तेज होती है धार, और इस धार में नौका को काबू में करके चलाना बड़ा साहस का और बड़ी सूझबूझ का काम होता है। तो रोमांच चाहने वाले यानी पानी के अंदर रिवर राफ्टिंग करने के शौकीनों के लिए भी तिब्बत बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद माउंटेन बाइकिंग, पहाड़ों पर भी चलने वाली बाइक होती हैं, ये पहाड़ों पर चलती हैं, तो इनको चाहने वाले भी, या फिर जीप सफारी, सफारी बोलते हैं जंगल में अब जब आप जाते हैं तो जंगल में घूमने के लिए वन विभाग की ओर से ख़ास तौर पर बने हुए जीप दिए जाते हैं, जिनके अंदर बैठकर आप जंगली जानवरों से सुरक्षित होकर बड़े आराम से जंगल का भ्रमण कर सकते हैं, जहाँ अगर आपके सामने शेर भी आ जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप अंदर सुरक्षित होते हैं। तो जंगल सफारी चाहने वालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी जगह है। या फिर याक की सवारी भी कर सकते हैं। याक इस क्षेत्र में, इस लद्दाख के इलाके में पाया जाने वाला बैल की एक प्रजाति होती है, ये जंगली बैल आप कह सकते हैं, इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं और इनकी सवारी करना बड़ा मनोरंजक होता है, पहाड़ पर इनके ऊपर बैठकर चलना, तो इसका आनंद लेने वाले भी यहाँ जा सकते हैं। इट इज़ अ परफेक्ट डेस्टिनेशन नॉट ओनली टू बीट द हीट ऑफ द प्लेन्स। ये मैदानी भागों की गर्मी को मात देने के लिए बिल्कुल सही जगह है, बट ऑल्सो टू अवेकन वन सेल्फ स्पिरिचुअलिटी बाई एक्सप्लोरिंग अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। साथ साथ में मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए भी ये बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के कई मठ मिल जाएंगे, और टू एक्सपीरियंस द सोलफुल विलेजेस अवे फ्रॉम द मैडनिंग सिटी लाइफ, या फिर यहाँ के शांत ग्रामीण जीवन जो शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से बड़ा सुकून देती हैं, और टू इंगेज इन एडवेंचर, या फिर यहाँ जाएं और रोमांचक कामों में लग जाएं, और सिंपली टू एंजॉय याक सफारी, या फिर कुछ नहीं करना तो भैया याक पर बैठें और मजे लें। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ लैंड ऑफ एंडलेस डिस्कवरी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक अनगिनत संभावनाओं का देश है, अनगिनत खोजों का, आविष्कारों का की जननी है, की जमीन है ये। इसके बाद आपके ही देश का एक दूसरा स्थल है दार्जिलिंग। हमें भी पता है आसाम में है ये, है ना, आसाम की राजधानी भी है। तो चलिए आज हम दार्जिलिंग के बारे में भी कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। दार्जिलिंग है कैसा, कहाँ बसा है, कैसे लोग होते हैं, कैसा यहाँ का रहन सहन है, चलिए अब हम उसके बारे में जानते हैं। दार्जिलिंग, हु हैज नॉट हर्ड ऑफ और सिप द एरोमेटिक टी फ्रॉम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की खुशबूदार चाय की चुस्की या खुशबू किसने नहीं ली है, भाई सबने ली है, आजकल तो सभी चाय पीते हैं बच्चों, है कि नहीं।
और चाय में जो पत्ती डलती है वो खुशबू देती है, तो इसीलिए कहते हैं कि किसने दार्जिलिंग की चाय, खुशबूदार चाय का मज़ा नहीं लिया है। वेल, दार्जिलिंग टी गॉट इट्स नेम फ्रॉम दार्जिलिंग सिटी। वास्तव में दार्जिलिंग चाय को ये नाम दार्जिलिंग शहर के नाम से मिला है, वेयर इट इज़ ग्रोन, जहाँ ये उगती है। द अरोमा एंड टेस्ट ऑफ दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग चाय की खुशबू और इसका स्वाद इज अनमैच्ड इन द वर्ल्ड। इसका मुकाबला, इसका जोड़ा संसार में कहीं और नहीं मिलता। द फर्स्ट टी प्लांटेशन इन द रीजन टुक प्लेस इन 1870। इस क्षेत्र में चाय की पहली खेती 1870 में शुरू हुई थी। टुडे, आज दार्जिलिंग टी ऑक्यूपाइज अ प्लेस ऑफ प्राइड फॉर द होल ऑफ इंडिया। आज दार्जिलिंग चाय समूचे भारत के लिए गर्व का विषय है। दार्जिलिंग इज अ ब्यूटिफुल सिटी इन वेस्ट बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में एक खूबसूरत शहर है, नेस्टल्ड अमॉन्ग द माउंटेन्स, ये पहाड़ों के बीच बसा है, बड़ा खूबसूरत शहर है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वंडरफुल व्यू ऑफ द कंचनजंगा माउंटेन रेंज। यहाँ से कंचनजंगा की पहाड़ी श्रृंखलाओं की खूबसूरत नज़ारे को देखा जा सकता है। द नेम दार्जिलिंग मीन्स, दार्जिलिंग नाम का मतलब होता है लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट, यानी थंडरबोल्ट बोलते हैं हम आसमानी जो बिजली चमकती है ना, चमकती बिजली की भूमि। इट वॉज अ फेवरेट हिल स्टेशन ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर रूल ओवर इंडिया। जब ब्रिटिश भारत के ऊपर शासन कर रहे थे, उनका ये पसंदीदा स्थल था। द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे विच वॉज ओपन इन 1881, जिसकी शुरुआत 1881 में हुई थी, इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को की विश्व संरक्षित जगहों में से एक है। विथ इट्स सेंचुरी ओल्ड स्टीम इंजन स्टिल चगिंग अलॉन्ग विंडिंग माउंटेन टेरेन। और यहाँ पर चलने वाली ये जो रेल है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज है, और आज भी यहाँ भाप से चलने वाली इंजन छुक छुक करती हुई इन पहाड़ों पर बनी पटरियों पर दौड़ती है। द कल्चर ऑफ दिस प्लेस इज एक्सप्रेस्ड इन द कलरफुल हैंडीक्राफ्ट। इस जगह की खूबसूरती दिखती है यहाँ के रंग बिरंगे हस्तशिल्प में, बीट ऑर्नामेंट, वो गहने हों, हैंडलूम्स, हाथ के बने हुए कपड़े, हस्तकरघा कहते हैं हम उन्हें, वूलन गारमेंट, ऊनी सामान हो, वुडवर्क, बैम्बू वर्क, लकड़ी का काम, बांस का काम, पेंटिंग, चित्रकारी, हैंड शोल्डर बैग्स, हाथ के थैले, कंधे पर ले जाने वाले थैले, जैकेट्स, हैट्स, हैंडलूम क्लोथ, मास्क और बेडरूम स्लीपर। मतलब हमारी ज़रूरत की तकरीबन सभी तरह की चीज़ें इस जगह दार्जिलिंग में मिल जाती हैं, हाथ से बनी हुई। इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर बात करें, इट इज़ द क्लेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन। ये सबसे अच्छे हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। हेयर यू विल गेट टू सी रिच एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे, साथ साथ में जीव जंतु भांति भांति के दिखेंगे। सो इट इज़ अ फीस्ट फॉर प्लांट लवर्स एज वेल एज एनिमल लवर्स। इसलिए ये जगह प्राणी प्रेमी और वनस्पति प्रेमी दोनों के लिए बड़ी अच्छी जगह है। वनस्पति प्रेमी यानी जिनको हरियाली से, पेड़ पौधों से प्यार है, प्राणी प्रेमी यानी जिनको सभी तरह के जीवों से प्यार होता है। There are thousands of species of flowering plants, ferns and orchids. यहाँ पर हजारों किस्म के फूल, खुशबूदार फूल, तरह तरह के यहाँ मिल जाएंगे। Also, these hills are home to monkeys. साथ साथ में इन पहाड़ों पर आपको monkeys, बंदर भी दिखेंगे।
वाइल्ड कैट्स, जंगली बिल्लियाँ, टाइगर्स, बाघ, लियोपर्ड्स, चीते, जैकल्स, सियार, फॉक्स, लोमड़ी, बियर, भालू, पॉर्क्यूपिन्स, ये एक खास प्रकार का छोटा सा जीव होता है, साही कहते हैं इसे। इसके शरीर पर लंबे लंबे कांटे होते हैं जो इनकी सुरक्षा के लिए प्रकृति ने इसे दिए होते हैं। जब कभी भी इसे अपने ऊपर किसी तरह का खतरा महसूस होता है, ये अपने शरीर को सिकोड़ लेती है और इसके कांटे ऊपर खड़े हो जाते हैं ताकि अगर इसका कोई दुश्मन इसे खाना चाहे भी तो उसे कांटे चुभें, इसका मांसल शरीर ना मिले। तो ये पॉर्क्यूपिन्स भी वहाँ मिल जाते हैं एंड अ ह्यूज वेराइटी ऑफ ब्यूटिफुल बर्ड्स, और साथ ही साथ में बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी यहाँ दिखते हैं। बट दार्जिलिंग इज मोर फेमस फॉर इट्स क्यूट एंड कडली रेड पांडास और कैट बियर, लेकिन दार्जिलिंग इन सब से ज़्यादा जिस बात के लिए प्रसिद्ध है वो है लाल पांडा। ये पांडा अगर आपको याद हो बच्चों, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था पांडास के बारे में, काले और सफ़ेद पांडास के बारे में हमने पढ़ा था जो चीन में पाए जा रहे थे, शिहुआन प्रांत में चीन में पाए जाते थे। ऐसे ही पांडा दार्जिलिंग में भी देखे जाते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, इनका चेहरा लाल होता है, रेड पांडा होते हैं ये। सिंबलाइजिंग द ट्रस्टिंग फ्रेंडली एंड रेयर नेचर ऑफ द दार्जिलिंग हिल्स एंड इट्स इनहेबिटेंट, और ये इस बात का संकेत है कि दार्जिलिंग में रहने वाले लोग बड़े मिलनसार होते हैं, ये घुल मिल कर रहते हैं, ये जानवरों के साथ भी मिलकर रहते हैं और पेड़ पौधों के साथ भी मिलकर रहते हैं। टुडे दार्जिलिंग स्टैंड फॉर 6 T's, आज दार्जिलिंग की पहचान 6 T से है, टी फॉर टी, टिक, टूरिज्म, टॉय ट्रेन, टाइगर हिल एंड ट्रेकर्स पैराडाइज। ये 6 T हैं, चाय, टिक एक लकड़ी होती है, बड़ी मजबूत लकड़ी होती है, जंगलों में पाई जाती है, दार्जिलिंग टीक के लिए प्रसिद्ध है। टूरिज्म यानी बाहर से आने वाले लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो, टॉय ट्रेन यहाँ चलने वाली, वो भाप से चलने वाली चुक चुक गाड़ी है, टाइगर हिल है वहाँ का एक पहाड़ है एंड ट्रिकर्स पैराडाइज, और पर्वतारोहण करने वाले वो लोग जो पगडंडियों पर चलते हैं, ट्रैकर्स के लिए ये बिल्कुल स्वर्ग जैसी जगह है। सो नेक्स्ट टाइम यू प्लान योर वैकेशन, तो अगली बार जब आप अपनी कोई बाहर की यात्रा की योजना बनाएं, डू कंसिडर दार्जिलिंग एज अ परफेक्ट गेटवे टू बी अ हार्मनी विथ नेचर, तो प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाए रखने के लिए, अपना प्रकृति के साथ तालमेल करने के लिए दार्जिलिंग को हमेशा अपने एक उत्तम स्थल के रूप में देखें और इसकी यात्रा करें। इसके आगे की बात हम अगले दिन पढ़ेंगे, आज इतना ही। आपका काम है इस लेशन को जैसा मैंने पढ़ा है लाइन बाय लाइन इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, बाकी की बातें अगले दिन।